विशेष जयमाला। आज का विशेष जयमाला प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर। प्यारे फौजी भाइयों, नमस्कार। कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं। सुनाई दे न दे तुमको, तुम्हें आवाज़ देते हैं। नदी
फौजी भाइयों, मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। उन्हीं में से एक गीत मैं आपको सुनवाती हूँ। ये गीत लता दीदी ने गाया है। गा नहीं सकता, लेकिन मधुर गीत से मन हल्का जरूर हो जाता है। कुछ ऐसे भी गीत हैं जो सुकून देते हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सखीरी नहीं आए सजन वामूर, सखीरी नहीं आए सजन वामूर, हो पापी पपी हरा क्यों घरावे, मूरे अंगन वा शोर मचावे, मुझ बिरहन का जियरा जरावे, आग लगे नहीं हर नगरे, जर जावे करम वा मोर,
आखिर नहीं आए सजन वामूर। और लता दीदी के ये गाने, ना उम्मीद हो के भी दुनिया में जिए जाते हैं, दिल टूट गया फिर भी हम प्यार किए जाते हैं, ना उम्मीद हो के भी जो मुझे भुला के चले गए, मुझे याद उनकी सताए क्यों, जो किसी का बन के रह न सके वो किसी को अपना बनाए क्यों। फौजी भाइयों, मेरी पसंद का ये भी एक गीत है जो बचपन में हम बहुत गाया करते थे, लीजिए सुनिए। दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई। 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहाँ आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रहीं, बिल्कुल सगी बहन की तरह। मंगू के बाद मुझे कई संगीतकारों के साथ गाने के अवसर मिलते गए और मैं गाती रही। कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत सुनिए जो बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म का नाम है पारस। मन मेरा तुझको मांगे, दूर दूर तू भागे। मन मेरा तुझको मांगे और दूर दूर तू भागे। मैं ऐसी हूँ जैसे यार, तेरा प्यार बना है देखो, भूल भुलैया तेरा प्यार बना है देखो, भूल भुलैया।
की अपनी अलग विशेषताएं हैं, सबका अपना अलग अलग ढंग है। मदन मोहन जी, नौशाद साहब, नाशाद साहब, जयकिशन जी, शंकर साहब, बर्मन साहब, उषा खन्ना, रोशन साहब, सभी के साथ काम करने का अलग आनंद रहा है। रोशन जी तो बहुत हंसाया करते थे, अगर गीत में कुछ बदलना होता था तो भी वो इस तरह हंसी हंसी में बताते थे कि कलाकार को जरा सा भी बुरा ना लगे। बहुत ही गुणी संगीतकार थे रोशन जी। इन्हीं के संगीत निर्देशन में अपना गाया हुआ गीत सुनवाती हूँ। Yeah.
विशेष जयमाला का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। सुन रहे हैं विशेष जयमाला। आज का यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर। फौजी भाइयों, कुमारी सुमन हिमाड़ी से श्रीमती सुमन कल्याणपुर तक के सफर में कई सुखद अनुभवों का क्रम रहा है। मैं शादी के बाद फिल्मों के लिए गीत गाती रही। मेरे पति मेरा हर गीत सुनते और तारीफ करते तो मैं और अधिक अच्छा गाने की कोशिश करती रहती। हमारी पुत्री के जन्म के बाद जब मैंने गाना शुरू किया तो लोगों की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी आवाज़ में कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट करते थे। उन्हीं दिनों में रिकॉर्ड किया हुआ गाना सुनकर कई लोगों ने कहा कि मेरी आवाज़ और भी अच्छी हो गई है। उस गीत का संगीत निर्देशन सतीश भाटिया ने किया है। सतीश जी बड़े गुणी कलाकार हैं। उनका खुद गाकर बताने का तरीका बड़ा प्यारा है। लीजिए यही गीत सुनिए। फिल्म है बूंद जो बन गई मोती। हाँ, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। कलियों के महकते अंगों से प्यार किया मैंने, बुल के गुलाबी गालों से। प्यार किया नरगिस की नशीली आंखों से, प्यार किया बदली की रंगीली दीपों से। हाँ, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। सीने पे उछलती लहरों को, झूम उठा
बाहों में पकड़ तूफानों को। झूम लिया बिजली के मचलते होठों को, लूट लिया मैंने मस्त उभरती बहारों को। रात की दुल्हन का मैंने सिंगार किया, हाँ मैंने भी प्यार किया। प्यार से कब इनकार किया, मीठी मीठी बात और मैंने दिल को निसार किया, हाँ मैंने भी प्यार किया। प्यार से कब इनकार किया। संगीत निर्देशक खयाम साहब की रचनाओं को गाने में बड़ा मजा आता है। वह गाने की हर बारीक से बारीक हरकत को खुद गाकर समझाते हैं। उनके निर्देशन में मैंने कई गीत गाए हैं। फिल्म शगुन के एक गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी। उस दिन मुझे बहुत जुकाम था, बहुत ही बुरी हालत थी, मगर गीत उसी दिन रिकॉर्ड करना भी जरूरी था। बहरहाल उसी हालत में मैंने गीत गाया, कैसा बन पड़ा है आप खुद सुन दीजिए। जिंदगी जुल्म सही जबर सही गम सही दिल की फरियाद सही रूह का मातम ही सही। ऐसे आते हैं जब हंसी आ जाती है, जैसे कोई कहता है कि गाने में यहाँ पर जरा सा ये आना चाहिए, या हाथ से बताते हैं कि गाने में यूं कर दीजिए। अब आप ही बताइए कि इस ये और यूं का मतलब हम गाने में कैसे लाएं? कई संगीत निर्देशक ऐसे भी हैं जैसे कि शंकर साहब थे, जो अपनी धुनों में हमारे भी सुझाव माना करते थे। शंकर साहब की एक धुन मेरी आवाज में सुनिए, फिल्म का नाम है रेशम की डोरी। बहना ने भाई की कलाई से
संगीतकार का नाम मैं लेना चाहती हूँ, ये हैं श्याम शर्मा। इनकी धुनें बहुत ही मीठी लगती हैं। खुद बहुत अच्छा गाते थे और बहुत ही मधुर बोलते थे। उनके निर्देशन में मैंने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं गाई थी, जैसे हे नंदलाला तेरा मन है काला, मैं तो भूली रे बिरज किनार, भूली रे बिरज किनार। हे नंदलाला तेरा मन है काला, मैं तो भूली रे बिरज किनार, भूली रे बिरज किनार। दूसरा है कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई, कितनी बार। ये रचनाएं आपने रेडियो पर बहुत बार सुनी होंगी। श्याम शर्मा के संगीतबद्ध की हुई एक लोरी मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। फिल्म का नाम है डाक बंगला। पलक हिंडोले चढ़ी रे निंदिया, पलक हिंडोले चढ़ी रे निंदिया, अरे साए ने को सुलाए, जुग जुग जागे हन सोई रे,
जी भाइयों, देखिए ना, समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। फिर कभी मौका मिला आपसे बातचीत करने का तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अब सुमन कल्याणपुर को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। विशेष जयमाला में आज आप सुन रहे थे जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत आज का ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ विविध भारती के संग्रहालय से।